नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। ड्रग्स केस में आर्यन खान को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अब 14 दिन आर्यन को जेल में सड़ना होगा, लेकिन जैसे ही आर्यन की जमानत याचिका खारिज हुई, आर्यन का हाल बेहाल हो गया। देखिए जरा इस रिपोर्ट में। ड्रग्स केस में फंसने के बाद आर्यन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब आर्यन खान को कोर्ट ने जोरदार झटका दिया और उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अब आर्यन खान 14 दिनों तक जेल में ही सड़ेगा। जैसे ही कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और बेल खारिज की, आर्यन खान के पसीने छूट गए। आर्यन फूट फूट कर रोने लगा। शाहरुख खान और गौरी खान परेशान हो गए। खान गैंग बौखलाने लगा। ये तो होना ही था, क्योंकि आर्यन का गुनाह छोटा मोटा नहीं बल्कि काफी बड़ा है और आर्यन खान ड्रग्स पार्टी में रंगे हाथों पकड़े गए हैं। सिर्फ आर्यन ही नहीं, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका भी खारिज हो गई है। बताया जा रहा है कि अब आर्यन के वकील जमानत की याचिका को लेकर सेशन कोर्ट में जा सकते हैं। आर्यन समेत सभी आरोपियों को ऑर्थर रोड जेल भेज दिया गया है। मेडिकल चेकअप के बाद आर्यन को सलाखों के पीछे डाला गया। वहीं इस मामले पर कोर्ट का कहना है मेंटेनेबल नहीं है, इसलिए इसे रिजेक्ट किया गया। ऐसे में अब आर्यन खान और बाकी सभी आरोपियों को जेल में ही रहना होगा। बताया जा रहा है कि आर्थर जेल वो जगह है जहां कसाब, अबू सलेम, संजय दत्त जैसे बड़े लोगों को रखा जा चुका है। तो वहीं आर्यन को जमानत न मिलने से उनके साथ साथ उनका पूरा परिवार सदमे में है। बता दें कि आर्यन खान संग 5 कैदियों को मुंबई के सबसे बड़े जेल आर्थर जेल के बैरक नंबर 1 में रखा गया है। यह जेल की पहली फ्लोर पर बना एक स्पेशल क्वारंटीन बैरक है। यहाँ 5 दिनों के लिए आर्यन खान और बाकी को क्वारंटीन में रखा जाएगा। किसी को यूनिफॉर्म पहनने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें बाकी कैदियों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। और अब आर्यन और बाकी 5 कैदियों को जेल का ही खाना खाना पड़ेगा। क्वारंटीन में रहते हुए अगर किसी को कोरोना के लक्षण लगते हैं तो उनका टेस्ट किया जाएगा। वैसे आर्यन समेत सभी की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। सभी ने वैक्सीन के दोनों डोज लिए हुए हैं, इसी कारण उन्हें महज 5 दिन का क्वारंटीन दिया गया है। आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज होते हुए वो बेहद परेशान हो गए और फूट फूट कर रोने लगे। वहीं शाहरुख एंड फैमिली को आर्यन की बेल खारिज होने से बड़ा झटका लगा है। अब आर्यन को 14 दिनों तक ऑर्थर रोड जेल में रहना होगा। जेल पहुंचकर आर्यन बेहद परेशान हो गए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।